तो ऐसा था कि लाइक मुझे एक पायलट बनना था। लेकिन थोड़ा नाखुश हूं मैं ओशन आपसे भी और स्पीरो आपसे भी। प्रिडिक्शन की गई थी मेरे द्वारा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो चिकन डिनर आएगा और वो आया भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कार्निवल गेमिंग जो आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो भी काफी ज्यादा बेहतर गई जरूर थी। बट ओवरऑल अगर आप बात करें इसी चीज के बारे में चर्चा कर भी रहा था कि शुरुआती 6 मैचेस से पंक का जो माइंडसेट है जो हमने प्री शो भी डिस्कस किया था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वो काफी बढ़िया जो रीड है वो करके आए, होमवर्क ऑन पॉइंट था और अभी आप कह सकते हैं कि डिलीवर जरूर किया है। बट अगेन अभी बस शुरुआत है और बहुत कुछ करना बाकी, काफी सारे मैचेस अभी बाकी है। बट मेरे को लगता है ये शुरुआत उनको बहुत बड़ा बूस्ट देके जाएगी ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर। एंड जस्ट टू ऐड टू दिस, अगर हम बात करें शुरुआती 6 मुकाबलों की, वहां पे पंक उतना ज्यादा बेहतर खेल करके नहीं गए थे। आइजलिंग उन्होंने तब भी बढ़िया की थी लेकिन वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनका देखने को नहीं मिला था और इस मुकाबले में वो बहुत सारे फिनिशेस भी लेकर के गए और वो जो आपने एरिया बताया जो उन्होंने होल्ड किया वो हाइट का एडवांटेज और वहां से उन्होंने जो द ओरिजिनल्स की मुश्किलें बढ़ाई। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक टीम ऐसी देखने को मिलती है जो बढ़िया फॉर्म में चल रही है। एसबीए अगेन बहुत हैव टू से कि इस पूरे मैच के दौरान आप लोग डिस्कशन यही कर रहे थे कि विकेंडी एक ऑफ मैप है, उनके लिए ज्यादा स्ट्रैटेजीज इतनी नहीं बनाई जाती और आपने एक बार जिक्र भी किया था कि ऐसा मैप अगर आपका बड़ा आ जाता है तो बाकी मैचेस के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपके लिए बनती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको मिलता है। एंड कहना पड़ेगा गॉडलाइक के हीरोज ने एक्सट्रीम प्रदर्शन करके दिखाया इस मैच में। दे आर हीरोज, दे प्ले एक्सट्रीम एंड डेफिनेटली एक गॉडलाइक चिकन डिनर यहां पर देखने को मिला। 14 फिनिशेस वो जोड़ दीजिए तो अभी तक जो प्रदर्शन आया, जो परफॉर्मेंस आई उसमें 4 चांद लगते हैं। एंड यस, अपने पहले गेम में जो इस हफ्ते का पहला गेम है उसको अच्छा निकालना मतलब बाकी गेम्स के लिए माइंडसेट तैयार रहेगा जी। प्लानिंग अच्छी थी पंक की तरफ से कि आप बाकी प्लेयर्स को घर के अंदर अगर रखा हुआ है, खुद एक ऑफ एंगल बना करके बैठे हैं तो ये बहुत सही था। बहुत सारे खतरे पंक ने रोके हैं उस तरीके से। एंड इनफैक्ट अभी तो मेरे को लगता है कि 3 फ्लैग्स चोरी भी हुए यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। उसको वो फिनिश करेंगे, 10 काफला पार करेंगे। जी हाँ, एक्सट्रीम चुनौतियों के लिए तैयार हमें टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिल रही है। ईस्टर्न एज का कंट्रोल और बढ़िया रोटेशन भी हमें वहां पर देखने को मिली, हालांकि आया और उनको भी स्पॉट किया जा चुका। क्या बेहतरीन कनेक्शन हमें एजे के द्वारा देखने को मिलता हुआ। बिजनेस लाइक मेरा तो ऐसा था कि लाइक मुझे एक पायलट बनना था बिजनेस से हटकर, बट ऐसा था कि लाइक टैटू भी दिखेगा यहाँ पे कहा गया, सो मुझे एक पायलट बनना था बट गेमिंग में आ गया, सो पता ही है। चलो बढ़िया है, तुम बिजनेस वो मैं करता तो रियल इस्टेट पहले तो क्योंकि मेरा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। अच्छा, मतलब मेरे को उधर एक बार कूदना था। अच्छा, अगर वो नहीं होता सही धंधा है भाई। हाँ वो है तो बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा। यूट्यूब के बाद भी वही करूँगा। बढ़िया बढ़िया, इधर से निकाल के सीधा जमीन में इन्वेस्ट, फ्लैट में इन्वेस्ट। हमारे पास जमीन ही होता ना यूपी में, यूपी बिहार में भाई जमीन ही होता है। कार के लिए पापा को बोलो तो जमीन खरीदवा देते, मेरे साथ तो यही किया है भाई।